आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। त्योहारी सीजन को देखते हुए कुशीनगर में खाद्य विभाग मिलावटी खाद्य सामग्री को लेकर काफी सख्त रूप अपना रही है। इसका उदाहरण उस समय देखने को मिला जब विभाग ने एक रस फैक्ट्री पर छापा मारकर मिस ब्रांडेड रस पाए जाने पर माल सील कर दिया। वहीं जांच के लिए सैंपल इकट्ठा कर लैब में भेज दिए गए। दिवाली सहित विभिन्न त्योहारों को देखते हुए खाद्य सामग्री की बिक्री में काफी तेजी आई है। दूसरी तरफ खाद्य विभाग इसकी सुरक्षा के प्रति भी सतर्क दिखाई दे रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कसिया थाना क्षेत्र के सिसवा महंत में संचालित शाम बेकरी और पत्तल दोना उद्योग में छापा मारकर 2,76,000 रुपए का माल सील कर दिया। विभागीय अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान मौके पर रस मिस ब्रांडेड पाए गए, जिसको देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। वहीं जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। मौके पर रस निर्माण करते हुए पाए गए हैं। इनके पैकेट जिनमें इन्होंने रस पैक किया है मिस ब्रांडेड है प्रथम दृष्टया, इसलिए इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए नमूना लिया गया है। तकरीबन 2.75 लाख रुपए मूल्य का रस जो विभिन्न पैकेटों और पेटियों में बंद है उसको सीज किया गया है। वो सब निरीक्षण में शामिल किया गया है। इसमें सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए इनको नोटिस दिया।